हुसैन सुल्तान रणवीर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी खास खबर ये है, आज की जो मीटिंग जो इधर हुई गई तो माननीय मंत्री जितेंद्र रावत साहब उनके पहल से ये मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में मुमरा मौसा के जितने भी जो अनएडेड स्कूल्स हैं उन्हें हमने अपील करी कि जो एक्टिविटी हेड्स हैं उसके तहत आप फीस न लें और जो ट्यूशन फीस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रियायत आप अपने बच्चों को दें। आज की मीटिंग काफ़ी पॉजिटिव थी, सकारात्मक थी। जैसे कि आपने देखा ऑलमोस्ट 80% हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन आए भी थे और हमने उनको दो दिन का टाइम दिया है कि आप अपने अपने लेवल पे एक डिसीजन लें। एंड आई एम वेरी श्योर कि आज की मीटिंग इतनी अच्छी हुई है कि सभी स्कूल्स डेफिनेटली एक अच्छा कंसेशन अपने बच्चों को देंगे। मुमरा में तो जिसको बोलते हैं ना कम्युनिटी सर्विस का एक ट्रेंड है, तो डेफिनेटली हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। सब पॉजिटिव हैं, इसीलिए तो सारे के सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आए थे। सब सकारात्मक निर्णय लेने वाले हैं, पॉजिटिव डिसीजन लेने वाले हैं और दो दिन में आपको पता चल जाएगा हर एक स्कूल का फीस स्ट्रक्चर अच्छा प्रपोर्शन में कम हो गया होगा। डॉक्टर अब स्कूल की फीस को लेकर आज यहाँ पे मीटिंग दी गया, मीटिंग में फैसला। देखिए ऐसा है कि एजेंडे से मैं मुतमईन हूँ, लेकिन ये एजेंडा जो है पहले स्कूल वालों से बैठ कर डिस्कस करना चाहिए था कि क्या ये एजेंडा कितना अच्छी से इम्प्लीमेंट है। अभी गवर्नमेंट के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, अभी TMC ने क्या स्कूल वालों का टैक्स माफ़ किया है, पानी की बिल माफ़ किया है, लाइट की बिल माफ़ किया है, उनका रेंट कौन देगा? जिनकी अपनी स्कूल है वो तो जगह रेंट पे है, उनका कौन देगा? दूसरी चीज़ यह है कि हम जो है ऑलरेडी अपने पेरेंट्स को छूट दे रहे हैं, हमेशा देते आ रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर की फीस है इन लोगों ने भी कहा कि लास्ट ईयर की फीस लिया जाए। मसला सिर्फ लास्ट ईयर की फीस का आ रहा है कि मार्च में फीस आती थी, स्कूल बंद हो गए हैं तो फीसें नहीं आई हैं, तो वो कौन करेगा? इस साल का तमाम स्कूल छूट देने को तैयार है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है, तो होगा जो नहीं होंगे, लेकिन सभी लोग छूट देने को तैयार है, छूट दे रहे हैं। हम खुद अपने स्कूल को 50% छूट दे रहे हैं अपने बच्चों को इस साल के लिए, लेकिन लास्ट ईयर की तो पे करो। आपकी स्कूल में कितना फीस माफ़ जी? आपकी स्कूल ने भी कितना फीस माफ़? हमारी स्कूल ने करंट ईयर से जून से ऑनलाइन स्कूल शुरू किया, जून से मई से शुरू किया, जून से हमने 50% फीस माफ़ करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो पिछली फीस है वो तो हम उनसे लेंगे, पिछली फीस हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमने पूरा एक साल बच्चों को पढ़ाया है, वो हम लेंगे। लेकिन इस साल हमने 50% ऑलरेडी माफ़ कर दिया हुआ है, यहाँ पे 30% का एजेंडा, हमने 50% माफ़ किया है। अभी जो है ना जो एजेंडा इन्होंने बनाया है वो एजेंडा जो है पहले से इनका अपना तय किया हुआ था, इनको चाहिए था कि डिस्कशन कर लेते स्कूल वालों से और उसके बाद बनाते तो साइन फॉर्म हो जाते। अब तमाम स्कूल वालों को सोचना पड़ेगा, हमने तो किया 50%, लेकिन बाकी लोग कितने के लिए रेडी हैं वो अपना सोचेंगे, फिर उसके बाद एजेंडे पर साइन करेंगे। एजेंडे से आप मुतमईन हैं? एजेंडा ठीक है, उससे मुतमईन है। क्या नाम है सर? आज की ये मीटिंग हमारे नेता, हमारे मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के आदेश अनुसार सैयद अली अशरफ भाई साहब, रूता अवार्ड साहबा, DMC मनीष जोशी जी और एजुकेशन के तमाम ऑफिसर्स और यहाँ पे मौजूद आज जो लोग आए थे स्कूल के प्रिंसिपल्स और वहाँ के ट्रस्टीज़ के साथ में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसको इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट शमीम खान, मैं और हमारे भाई शानू पठान साहब सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट ने इसको ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें सम्मानीय नगर सेवक और नगर सेविकाएं भी मौजूद थीं, क्योंकि उनके वार्ड और उनके इलाके में ये बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये सब्जेक्ट क्या था। सर ये सब्जेक्ट ये है कि जिस तरीके से आज मुमरा कौसा ही नहीं बल्कि पूरा देश कोरोना की महामारी में उलझा हुआ है, कोरोना की इस परेशानी में इंसान ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन उसी के अंदर कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेज, अगर आपसे हम कहें तो कहीं ना कहीं कुछ स्कूल और कॉलेज अपनी मनमानी कर रहे थे और कर रहे हैं, इसको लेकर के आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी। इसका हमारा जो एजेंडा था सर, हम आपके सामने बताना चाहते हैं। हमारा एजेंडा ये है, नंबर वन, पुराने साल की बाकी फीस सभी पेरेंट्स को जल्द से जल्द स्कूल को अदा करनी चाहिए। नंबर टू, RTE का अमाउंट जो TMC ने अब तक अदा नहीं किया है वो जल्द से जल्द अदा करें, जल्द से जल्द अदा किया जाए ताकि स्कूल वालों को कोई
फाइनेंशियली दिक्कत ना पेश आए। नंबर थ्री, इस नो डोनेशन पॉलिसी के तहत सारी स्कूलों को इस कोरोना के हर तरह का डोनेशन माफ़ करना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नो डोनेशन पॉलिसी के तहत सारी स्कूलों को इस कोरोना का साथ देते हुए कई तरह का डोनेशन माफ़ करना चाहिए। नंबर चार, डोनेशन नहीं होना चाहिए। नंबर चार, एक्टिविटी फंक्शन कंप्यूटर स्पोर्ट्स एनुअल डे लेबोरेटरी और हर इस तरह के एडिशनल कॉस्ट को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं, वो बैठ करके ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें होना नहीं चाहिए। नंबर पाँच, नया यूनिफॉर्म जो भी स्कूल हर साल परचेस करना कंपलसरी करती थी, उनको यह साल कंपलसरी नहीं करनी चाहिए। जिसे चाहिए वो ले, जिसे नहीं चाहिए उसे फोर्स ना करे। नंबर छः, बस ट्रांसपोर्टेशन की फीस तब से ली जाए जब से स्कूल एक्चुअल में फिजिकली शुरू हो। नंबर सात, फीस को आसान किस्तों में भरने की सहूलियत दी जाए, जैसे 3 महीने की पुरानी फीस इस साल किसी भी तरह की लेट फीस पेनाल्टी नहीं ली जानी चाहिए फीस देर से आने पर। नंबर आठ, एक रेजुलेशन पर सबकी सहमति ली जाए, जो लोग भी इसके लिए खुद से अपनी रजा से राजी हों। वो स्कूल जो खुद से इस सारी बातों पर अपना अमल करेंगे, उन स्कूलों पर मैं मीडिया को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मीडिया की तरफ से भी कोई कार्रवाई या ऐसी कोई चीज़ें ना हो। आप बता दें, जो माननीय मिनिस्टर साहब जितेंद्र राव साहब ने जो मशवरा किया, जो भाई साहब शमीम बार सभी नगर सेवकों से मिलके मशवरा हुआ है, हमारी मांग 50% की थी, लेकिन 30% फीस और बाकी अदर्स चार्जेस वो ना लिया जाए, ऐसी सहमति बनी और कई स्कूलों ने यहाँ पे मान भी लिया, अल्लाह दिल फला बाकी सब स्कूल। आपको एक बात बता दूँ, कोरोना के महामारी में हर आदमी ने अपना फ़र्ज अदा किया है, हर आदमी ने अपना आप आगे आके कोरोना से लड़ाई लड़ी, चाहे वो डॉक्टर के पेशा हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे पुलिस कमरे कर्मचारी, चाहे ऑफिसर, चाहे सफाई कामगार से लेके राजनेताओं ने, चाहे प्रेस, हर आदमी ने आगे बढ़ के इस लड़ाई के लिए अपना साथ दिया है और आगे कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है, अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब वक्त आ गया है एजुकेशन के डिपार्टमेंट से लोगों को आगे आने का, इसीलिए इस महामारी में जो प्रिंसिपल है और जो ट्रस्टी है उनको अपना जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी, और वो अब उनका वक्त है कि वो अपने शहर के लिए क्या कर रहे हैं। इस शहर ने सभी को बनाया है, हमारी जिम्मेदारी है अब देने का। क्या हम एक साल की फीस के अंदर 6 महीने की माफ़ नहीं कर सकते, ये प्रश्न उठता है। और अगर जिम्मेदारों ने और ट्रस्टियों ने ये मांग नहीं मानी तो मैं आपको साफ बोलता हूँ, फिर हमें आंदोलन के जरिए, उनकी कमियों के जरिए, कॉरपोरेशन के जरिए, कानून के जरिए, कोर्ट के जरिए जो भी लगेगा वो कार्रवाई करेंगे, चाहे उन्हें बुरा लगे तो लग जाए, क्योंकि हर आदमी ने अपने लिए अपनी जिम्मेदारी बाखूदी निभाई है। जब एक प्राइवेट ट्रस्ट एक जाति संस्था है लाखों रुपए का पेंडेमिक में राशन और मदद मुहैया करा सकती है, कई संस्थाएं एम्बुलेंस दे सकती है, तो क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन की फील्ड की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये वक्त आ गया है, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है ना। आज 78 लोग यहाँ पे जो आए थे ट्रस्टी, उनमें से 25% लोगों ने यही डिक्लेरेशन कर दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो सुकून से 2 दिन सोचे और एक ठोस निर्णय पे प्लेटफॉर्म पे आए, ताकि मुमरा कौशिक की आवाम को सहूलत मिल सके। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे, देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सारी खबर आप तक पहुंचे।